सभी भारतवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है कि प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया में ये मुसीबत आई हुई है कोरोना वायरस, तो इसको देखते हुए मद्देनजर सरकार ने पूरे इंडिया में लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान है। एक परेशानी जो सबसे बढ़कर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है कि जनता पब्लिक अपने घरों को अपने गांवों की ओर निकल रही है, और इसके बिना पर एक न्यूज ऐसी दिखाई गई जो परिवार परेशान है। वो क्यों परेशान है उसके मद्देनजर हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे कुछ मोहल्लावासी भी हमारे साथ खड़े हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम बीत रही है। वो क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल का रिचार्ज। क्योंकि जनता जिस तरह प्लान कर रही है, अपना शहर छोड़ रही है, दूसरी मुल्क जा रही है, तो जनता परेशान है। जो घरों में बिल्कुल लॉकडाउन है, घरों में बंद है, वो अपने परिवारों का हाल चाल नहीं पूछ पा रहे। क्यों? मोबाइलों के रिचार्ज बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जनता परेशान है बहुत ज्यादा। तो हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जब तक ये लॉकडाउन है, तो प्लीज जितनी भी इंडिया में जनता है, जितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, प्लीज जब तक लॉकडाउन है उनको फ्री कर दिया जाए, ताकि पब्लिक अपने रिश्तेदार अपने परिवार का हाल चाल जान सके। और इसमें सरकार का भी फायदा होगा। ये नहीं कि पब्लिक के बारे में हम कर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा हो जाएगा, नहीं, इससे सरकार को भी फायदा होगा। क्योंकि सरकार ने जो अपने ये लैंडलाइन नंबर दे रही है न्यूज चैनल पर कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या कोई कोरोना वायरस से प्रभावित है, उसकी जानकारी इस नंबर पर दे, या हमारे मोहल्ले में कोई परेशानी है, कोई भूखा है, राशन नहीं मिल रहा है, उस नंबर पर जानकारी दे, तो सरकार से कहेंगे भैया जानकारी कैसे देंगे, मोबाइल में बैलेंस होगा तब जानकारी देंगे ना। तो प्लीज इस समस्या को समझा जाए गंभीरता से, ये मजाक में लेने वाली बात नहीं है। सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को जहां तक हो उतना ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये भारत सरकार तक पहुंच सके और भारत सरकार इस बात को समझे कि हाँ, मोबाइल का रिचार्ज होना बहुत जरूरी है, जनता परेशान है। अगर मोहल्ले में कोई इस तरह का गलत व्यक्ति मिल गया जिसको कोरोना वायरस हो, तो हम सरकार को कैसे इन्फॉर्म करेंगे रिचार्ज नहीं होगा। तो प्लीज जहां तक हो सभी के मोबाइल बिल्कुल फ्री कर दिए जाए। और दूसरी एक चीज और, जैसे कि अब लॉकडाउन है, सब घरों में बंद है, ठीक है, न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है कि कहां कितनी बीमारी फैल रही है, कहां कितना ठीक हो रहा है, तो इस टाइम जो है लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद है, सन्नाटा है, सब कुछ बंद है। तो बहुत से भाइयों के यहां जो खड़े बीच में, इनमें एक दो के जैसे कि मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो गए, इसी तरह टीवी का रिचार्ज भी खत्म है, नहीं देख पा रहे देश में क्या हो रहा है, नहीं देख पा रहे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज सरकार से विनती है कि इन टीवी का रिचार्ज भी फ्री कर दिया जाए, ताकि हमें पता चले हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, कहां तक पहुंच रही है, कितना वायरस खत्म हो रहा है या कितना फैल रहा है, इसकी जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। तो प्लीज टीवी का रिचार्ज फ्री करा जाए, ताकि हमें खबर रहे हमारी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हमें घर में रहना है या नहीं रहना है, कारोबार करना है या नहीं करना है, इसकी खबर हमें पूरी होनी चाहिए। तो प्लीज रिचार्ज सभी तरह के प्लीज फ्री कर दिए जाए, क्योंकि अगर मोबाइल चालू रहेंगे तो हम अपने खानदान, पड़ोसी, मिलने वाले रिश्तेदार, इस शहर से उस शहर, हम कम से कम फोन करके खबर तो ले रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। तो प्लीज रिचार्ज फ्री कर दिया जाए, ताकि हम पल पल की खबर अपने रिश्तेदारों तक दे सके। अगर कोई परेशान है तो प्लीज हम न्यूज चैनल, पुलिस वाले या कहीं कोई फोन करके तो खबर देंगे कि हाँ यहाँ पे भी कोई मरीज है। जब रिचार्ज नहीं होगा तो हम कैसे खबर देंगे सरकार को कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो प्लीज मोबाइलों के रिचार्ज फ्री कर दिए जाए, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ खबर ले सके कि कौन सही है कौन गलत है। तो प्लीज जहां तक हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये भारत सरकार तक पहुंचे और पता चले कि पब्लिक कितनी परेशान है।